हमारे नए गली न्यूज इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। छात्र एकता जिंदाबाद। जीएसटी किया, काला गाड़ी के पीछे भागेंगे, उसके बाद भी वहां तक पहुंचे पर उनको पता नहीं करना क्या है। 370 हटाया, 4 महीने हुए अभी, 4.5 महीने, अभी उनको हवा भी नहीं है कि कश्मीर में हो क्या रहा है। अभी जो एनआरसी करने वाले हैं, अभी जो एनआरसी होने वाले हैं, उसमें भी इन्होंने सोचा नहीं कि आगे होगा क्या इसका। पर इनको एक चीज की भरोसा था कि इस देश की जनता चुप बैठी है, चाहे वो कितने भी बेवकूफ निकले, आपके ऊपर पूरा भरोसा था कि आप आवाज नहीं उठाएंगे। और इसीलिए एक के ऊपर एक जुल्म किए गए और आप चुप बैठे। और जब कश्मीर की बात आई तो मुझे लगा ये चुप्पी और सही नहीं हो सकती, अकेला ही सही, खुल के बोलूंगा। और यही भीड़ कश्मीर के मुद्दे पे इसी अगस्त क्रांति पे आते तो मैं अपना दफ्तर में बैठ के काम कर रहा होता। आप लोगों की चुप्पी की वजह से नौकरी छोड़नी पड़ी, और किसी ऑफिसर का नौकरी मत छीनिए, अपना आवाज उठाइए। ये जो एक लोकतंत्र में नागरिक का एक ही जिम्मेदारी है, वो है सरकार से सवाल पूछना, और एक ही देशभक्ति है, वो है सरकार से देश को बचाना। से नीचे गिर रहा था, तुम चुपचाप अपने काम कर रहे थे और कैसा दोस्त देश छोड़ के गया मेरे लिए। तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। और ये लड़ाई जब हम शुरू किए थे सब पूछ रहे थे कि प्रोटेस्ट से होगा क्या, प्रोटेस्ट से ये हुआ, हम एक हो गए। और कुछ हो ना हो, इस देश में हम एक हुए। Thank you.
मेरा भैया।